गुड मॉर्निंग गाइस, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। क्योंकि इसलिए कैमरा स्टार्ट नहीं कर पाया, पीछे बहुत ज़्यादा जाम था। मैं सोच रहा था कि सिग्नेचर ब्रिज से निकलूं, बट वहाँ से मैं निकल नहीं पाया क्योंकि जैसे ही वहाँ पे चढ़ा पुल पर, वहाँ पे इतना सारा जाम था कि भाई मैंने तो वापसी वहाँ से घुमा के मैं तो वापसी ले आया अपने यहाँ के रोड से। आज हम क्या करवाने जा रहे हैं, बस एक लास्ट काम बचा अपनी बाइक में, जो कि इसका अगला टायर चेंज करवाना है। क्योंकि कंपनी में बहुत बार बोल दिया कि भाई अगर आपकी बाइक में वॉबलिंग इशू आ रहा है तो आप टायर चेंज करवाओ, टायर चेंज करवाओ। तो आज फाइनली जा रहे हैं हम टायर चेंज करवाने इसका अगला, और वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि कौन सी कंपनी का टायर डलवाऊँगा, कि MRF डलवाऊँगा, C8 डलवाऊँगा या अपोलो डलवाऊँगा। MRF में भी काफ़ी सारे वेरियंट है, जैसे MRF जैपर Y है, और मैंने इस टाइम पर जो पिछला डलवा रखा है वो डलवा रखा है जैपर Q। जैपर Q में भी 100 सेक्शन भी है और 110 सेक्शन भी है। अब वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे कि कौन सा टायर डलवाएं। या तो मैं, वैसे मेरा मूड तो मतलब जैपर Y गिरवाने का है, बाकी वहाँ पर जाके देखते हैं, क्योंकि सारे दोस्तों में जैपर Y गिरा हुआ और काफ़ी उसका मतलब रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश करूँगा, देखता हूँ कौन सा पसंद आएगा वहाँ पर टायर। बाकी मेरे पीछे प्रणय भाई बैठे हुए हैं और वहाँ पर मिलेंगे हनी भाई। मैंने बोल दिया था कि भाई बस निकल रहा हूँ, तो शायद वो भी निकल गए होंगे, शायद उसका उनका कॉल भी मेरे पास आया, लेकिन मैं उठा नहीं सकता क्योंकि बाइक चला रहा हूँ। अब क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा जाम लगा, मैं यहाँ पे कहाँ वॉबलिंग इशू चेक करूँ इसको। वैसे तो मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो डाली है, उसमें वॉबलिंग इशू मैंने शो कर दिया है, मतलब कितनी वॉबल मार रही है, 50-60 की स्पीड पर ही बहुत ज़्यादा वॉबल मार रही है बाइक। अब देखते हैं अगर कहीं खाली रोड मिलते हैं तो देखता हूँ इसका वॉबलिंग इशू चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो करना चेक सही नहीं है। एक तो जहाँ भी जाओ हर जगह थोड़ी दूर पर जाम मतलब लगा पड़ा प्रॉपर। कश्मीरी गेट भी अब पता नहीं कैसा हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाम रहने लगा। तो निकलते हैं जाम से थोड़ा बाहर और देखते हैं कहीं रोड अच्छे मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि करोल बाग ज़्यादा दूर नहीं रह गया, वहाँ पर रोड इतने कोई खाली तो मिलने से रहे। बट देखो अगर मिलते हैं तो चेक करवाते हैं आपको इसका वॉबलिंग इशू कि कितने पे मार रहा है। अभी मेरे पीछे प्रणय भाई बैठे हैं, अभी कह नहीं सकता कि वॉबलिंग मारे, क्योंकि वेट थोड़ा GT पे ज़्यादा होता है तो वॉबलिंग इशू ज़्यादा आता नहीं है। अकेले में ज़्यादा आता है क्योंकि मेरा खुद का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, 65 किलो है। तो चलो अगर आगे रोड मिलता है फिर करते हैं आपसे बात और वहाँ पे दिखाते हैं आपको इसका वॉबलिंग इशू। तो गाइज सबको कंफ्यूजन होती है कि जब GT में वॉबलिंग इशू का आता है ना प्रॉब्लम, तो मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने प्रॉब्लम के लिए मैं बताता हूँ मैंने आपको क्या क्या करवाया। मैंने इसका क्या कहते हैं, मैंने इसका हैंडल मतलब सबसे पहले मैंने इसकी अलाइनमेंट करवाई, फिर इसके बाद इसका क्या कहते हैं हैंडल वैंडल सेट करवाया, जो भी इसके नट बोल्ट लूज़ थे मेरा, क्योंकि थोड़ा जर्क मारने लगा था गड्ढों के अंदर, वो मैंने सही करवाया। दो बार मैंने करवाया, दूसरी बार में क्या हुआ कि जब मैं कंपनी से दोबारा जब सर्विस करवा के निकला ना, तो क्या हुआ कि इसमें दोबारा हैंडल लूज़ हो गया। फिर क्या हुआ कि मैंने लोकल मकैनिक से मैंने दोबारा इसको टाइट करवाया। कंपनी में बात करी तो भाई वो कह रहे हैं कि सर इसका टायर आप चेंज करवाओ, उसके बाद मतलब वॉबलिंग इशू थोड़ी सही होगी। तो इसलिए ही हम करोल बाग आज जा रहे हैं, जो इसका टायर चेंज करवा सको। और हाँ, कंपनी में ये भी बोल रखा है कि भाई आपको इसका कॉन्सेट चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेट में इसके दिक्कत आ गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेट भी करवाएंगे। अब ये नहीं पता चल रहा मेरे को कि मेरी बाइक हो चुकी है, मतलब जनवरी है मेरी बाइक को हो जाएगा 2 साल। अब 2 साल के अंदर अंदर कॉन्सेट चेंज होता है कि नहीं वारंटी में। अब दोस्त तो बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा, अब उसी चीज़ की थोड़ी कंफ्यूजन है। तो पहले करवाते हैं इसका टायर चेंज। गाइस मैं आपको वो नहीं दिखा पाया कि थोड़ा बॉबल कितना मार रही है, बट कोई बात नहीं, जब हो सका तो मैं वापसी में जब मैं आऊँगा ना तो शायद आपको टायर के साथ चेक करवा दूँ, क्योंकि मैंने जो अभी संडे राइड की वीडियो डाली है उसमें आप वॉबलिंग इशू मेरा देख सकते हो कि वॉबलिंग इशू मेरी 40-50 की ही स्पीड में बाइक बहुत ज़्यादा मार रही है। तो चलो चलते हैं फिर करोल बाग और वहाँ पे डलवाते हैं इसको टायर इसका। हम वहाँ पे दिखाएंगे आपको टायर कौन सा चेंज करवाएंगे और फिर करते हैं आपसे बात वहीं पर ही।
तो भाई डलवाने आए हैं टायर, उसका टायर अगला हमने तो फाइनल किया है, वो किया ये वाला टायर हमारा जैपर भाई, क्योंकि दो ही वेरिएंट आते हैं, एक ये आता है और एक आता है सी एट जो मेरे में डला हुआ है। ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं डलवाना, ये तो बिल्कुल बेकार टायर है, देख रहे हो कंडीशन, इतनी ज़्यादा घिसा नहीं हो फिर भी बॉबलिंग इशू बहुत ज़्यादा है इस टायर में, इसलिए ये वाला तो डलवाना ही नहीं है। अब इस टायर का क्या करना है अब ये समझ नहीं आ रहा भाई, इस टायर का कुछ होगा क्या? नहीं, जाएगा भी नहीं कहीं, लेके तो कैसे ही जाऊंगा यार इसको। आप घुमाओगे क्या? हाँ बोलो। अरे भाई सही तो लग रहे हो, ओ भाई साहब क्या बात है, लो भाई यानी भाई, अरे लो मैं तो शूट कर लूँ ना, लो आप लो ना, ये लो, अरे लो ना इसे पकड़ो जल्दी। तो भाई गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी सिकंजी पी लें ठंडा होने, जब तक अपना टायर भी लग जाएगा 10 मिनट में, गाड़ी है अगला पहिए में थोड़ी आसानी से डल जाता है। और ये हनी भाई की बाइक, कमेंट करके बताना कि कितनी पुरानी है और कितने पैसे लगे हैं। यार हनी भाई इसमें जो पीपीए पो रखी है ना, कोटिंग भाई, अरे कोटिंग है वो एक नंबर। तो इसको कैसी लग रही है मेरी बाइक आप लोगों को? कितने साल पुरानी है बताओ, कितने साल पुरानी है, कितना पैसा लगा तू ये ना बताओ, लेके आया हूँ। अच्छा कितने मोड्स है इसमें, इंजन देख रहे हो, ये दो बुलेट का जोड़ के बनाया मैंने, 700 सीसी का है, 650 नहीं है, याद रखना। टायर अपना खुल गया, टायर अपना फाइनली लग गया और अब भाई इसमें फिट कर रहे हैं, या मतलब बहुत जल्दी हो गया, 10 मिनट में काम हो गया, अब इसमें लग जाएगा। और जो ये वाला टायर है इसको अब यहीं पर छोड़ के चल जाते हैं, क्योंकि अब इसको मैं घर तो लेके नहीं जा सकता, क्या करें। सो गाइस टायर अपना फाइनली डर गया और अब चेक करेंगे इसकी बॉबलिंग इशू कि बॉबलिंग सच में ही मतलब टायर का ही प्रॉब्लम था कि इसके कॉन्सेट में सच में ही दिक्कत है। अगर इसमें कॉन्सेट में दिक्कत है तो इसके बाद मैं जाऊँगा सर्विस सेंटर नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर इसका कॉन्सेट सही करवाएंगे, कौन से डिस्क का चेंज होगा। तो अगर हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि शायद अभी टायर डलने के बाद बॉबलिंग इशू में थोड़ा तो मतलब कुछ तो मतलब फ़ायदा हुआ होगा, बाकी इसको लगवा के फिर बॉबलिंग इशू चेक करते हैं। अब यहाँ पर तो जगह मिल नहीं रही मेरे को, रास्ते में मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं आया था तो मेरे को वहाँ पर भी कोई खाली रोड नहीं मिला, तो मैं अपनी बॉबलिंग इशू चेक कर सकूँगा। तो कोई नहीं, अब निकलते हैं, जब कहीं खाली रोड मिलेगा तो वहाँ पर बॉबलिंग इशू चेक करते हैं। ये अब कितने पे बॉबलिंग दे रही है, क्योंकि मेरी बाइक दे रही थी 40-50 पे, तो अब देखते हैं कि कितने पे बॉबलिंग इशू देगी। तो जैपर जो वाइट टायर है ये सच में इसके लिए ठीक है बिल्कुल, अब बनाएंगे इसकी वीडियो अच्छे से और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक में बॉबलिंग इशू आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसको लगवा के फिर चलते हैं कुछ खाने और फिर इसको करते हैं टेस्ट। डल गया अपनी बाइक में टायर और अब इसको चेक करते हैं, अब वॉबलिंग इशू चेक करते हैं कितनी है। अब सीधा 150 पे छोड़ूंगा टायर, थोड़े भाई डर गए। वजन है भाई, वजन है, चले चलो भाई। सुबह चलते अब चले, ओ भाई साहब टाइट टाइट फील हो रहा है टायर में। हाँ अब पता चल जाएगा,
सो गाइस फाइनली टायर का पंगा बहुत है यार। सब बोलते थे कि भाई सर्विस सेंटर में कि टायर डलवा लो भाई, पहले टायर डलवा लो। तो फाइनली टायर डलवा दिया, जो कि डलवाया मैंने MRF Zapper Y, जो कि हनी भाई की बाइक में पिछले में गिरा हुआ है, उनके पिछले में गिरा, मेरे में अगले में गिरा हुआ है, क्योंकि हनी भाई की ज़्यादा पुरानी बाइक नहीं है। अब इसको टेस्ट करेंगे। अभी नया नया टायर है ना, तो ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी इसमें, ज़्यादा 60-70 की स्पीड में चलानी है। मैंने इसलिए भी पहले लगवाया है क्योंकि मेरे को संडे को जाना है, संडे राइड, तो 2-3 दिन इसको नॉर्मल चलाएंगे और 2 दिन बाद इसकी मतलब पूरी हवा निकाल के फिर दोबारा इसमें हवा डलवाऊँगा। क्यों यार, यहाँ पे लग रहा कोई आता नहीं है इसके चक्कर में। हाँ